आइए, स्वागत है पढ़ाई, सबसे खुशी का दिन आ गया। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। इज देयर एनी पॉलिटिशियन हु मेक्स ग्रेट फूड? लालू यादव जी मेक ग्रेट फूड। मटन है गोट का, बिहार से मंगाए हैं। हाँ डालो। कितना डालना है लालू जी? दो चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ इतना। हाँ डालिए। धनिया, हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा हल्दी और टू स्पून। हाँ एक और डाल दो। डालिए। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे, तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा, कब कब डिसाइड कर देते हैं? सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट। और बाहर देश का भी खाना आपको अच्छा लगता है? आप थाई फूड खाया होता है ना? हाँ, उसका सैलड होता है, वो सैलड जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा, वो मेरी बहन बनाती है। अच्छा, मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम थम। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स करते हो? सब मिक्स सब है। विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। नो, आई ऑलवेज फाइंड लालू जी टू बी वेरी इंसाइसिव। जो इनका राजनीतिक ज्ञान है उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। घी डाली, और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। घी डाली। हाँ, चलो अब ले। हाँ। बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ? हाँ, चपाती। आपको आती है कुकिंग? आती है, एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब मैं यूरोप में काम करता था तो फिर सीखना पड़ा, मतलब अकेला रहता था तो सीखना ही पड़ा। तो बेसिक चीज़ें मैं बना लेता हूँ, बट एक्सपर्ट नहीं हूँ। लालू जी, हर 15-20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, वो मिटता नहीं। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है। हाँ। और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी, जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा। दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट देख रही है अभी मेवात में जो हुआ या गुड़गांव में हुआ, सब चीजें बंद है, सबका नुकसान हो रहा है। स्कूलें बंद हैं, हर चीज बंद है। नाउ दे आर जल गए। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है?
साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इतने साल आपने राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता, दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें, जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और नफरत को मिटा दें। हाँ, मिटा, ये तो सबसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मोहब्बत की दुकान खोले। हाँ, बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाऊंगा, कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। ना, सच बताओ, किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा।